आज बजट पेश किया है। इस बजट में केंद्र सरकार ने किसको क्या सौगात दी है, इसको लेकर हम आज चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ कई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह का ये बजट उन्हें लगता है। जो बजट आया है ये हमारे पीयूष गोयल साहब ने, वित्त मंत्री जो है इस समय हैं, उन्होंने पेश किया है। और हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो फॉर गिव बिग हैंड टू अवर पीयूष गोयल वित्त मंत्री जी को। और बहुत ही अच्छा लोक लुभावन बजट है, इलेक्शन के हिसाब से बनाया गया है। और इन्होंने आयकर की सीमा भी बढ़ा दी है, 2.5 लाख से 5 लाख कर दी है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी 40,000 से 50,000 कर दिया है। जो TDS है 10,000 इंटरेस्ट, उसको 40,000 कर दिया है। इस तरह से काफी अच्छा बजट है। लेकिन और 3 करोड़ जो हमारे जो ये है SSC है वो बाहर हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी आगे। मजदूर और किसानों को जो दिया गया उसमें 72,000 करोड़ रुपए करीब दिया है इन्होंने किसानों के लिए, जो 6,000 रुपए पर ईयर इन्होंने बताया है कि हम आपको देंगे। उनको 2,000 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट है, उससे काफी फायदा होगा किसानों का। मजदूरों को भी पेंशन योजना जो करी वो भी काफी अच्छी है। कामधेनु योजना पर कुछ कहना है? कामधेनु योजना के लिए उन्होंने कमीशन जो बनाया है उस पर मुझे लगता है जो अभी जो प्रॉब्लम चल रही है गाय गौ माता को लेकर के, उसमें कुछ सोल्यूशन आ सकते हैं। पहली बार किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रेजेंट किया गया बजट है, तो निश्चित रूप से इसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एक समझ होती है आर्थिक क्षेत्र की, वो बिल्कुल पूरी तरह दिख रही थी। और उन्होंने अपने बजट प्रेजेंटेशन में पूरे पिछले 5 सालों की अपनी कार्यकारिणी जो भी उन्होंने किया पूरे सरकार में, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और बहुत पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से बताया कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है पिछले 5 सालों में लोवेस्ट रहा है हिस्ट्री में, ये बड़ी बात है। उसके अलावा बहुत सी चीजें जो उन्होंने बताई कि जो है PM रोड योजना जो है, कई सारी प्राइम मिनिस्टर योजनाएं प्राइम मिनिस्टर के नाम से, कौशल विकास योजना, रोड योजना और स्टार्टअप इंडिया, ये सब हिस्टोरिकल इवेंट बन चुके हैं देश में और हिस्ट्री लिखी जा रही है। और उन्होंने बताया कि आगे भी अगले 10 सालों में क्लियर कट रोड बताया कि देश कैसे कहां तक पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं ये इंडिया की आर्थिक हालत को प्रेजेंट करने वाला समग्र बजट, संपूर्ण बजट था। गवर्नमेंट ने बताया कि साहब 1.25 लाख करोड़ रुपए का हमारा ऑलरेडी इंक्रीज रेवेन्यू हमने इनकम टैक्स से लिया हुआ है। तो निश्चित रूप से हर आदमी ये मान के चल रहा था कि अगर इनकम टैक्स पेयर ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो रिवर्ट बैक मिलना ही चाहिए उसको, और वो मिला है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट को ये करना ही था। लेकिन उन्होंने इसको कहा और उन्होंने धन्यवाद भी दिया टैक्स पेयर का। क्योंकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं, उन्होंने इस बजट को समग्र बजट बताया और कहा कि अगले 10 साल का रोड मैप पीयूष गोयल जी ने तैयार कर दिया है। उन्होंने बजट को शानदार बताया। लखनऊ से ETV के लिए अखिल।